YouTube स्टूडियो एप्लीकेशन यूज कर रहे हो उसके अंदर वॉच टाइम शो नहीं हो रहा है, आखिरकार क्यों नहीं हो रहे? बहुत ही छोटा वीडियो होंगे, इसके अंदर आपको जितने भी डाउट्स है वो मैं क्लियर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा देखते हो मैं आपको 100% कहता हूं इस टॉपिक को लेकर आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हेलो क्रिएटर्स, आप सभी देख रहे हैं रोनी फॉर यूट्यूब चैनल, जहां पे हम लोग बात करते हैं यूट्यूब टिप्स, ट्रिक्स, न्यूज अपडेट, लीक्स एंड पॉलिसीज के बारे में, और मैं आपके साथ हमेशा की तरह रोनी स्टार। आपके टाइम के बर्बादी किए बिना यहां पे सीधे सीधे काम की बात करते हैं, और यहां पे हम आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे, कुछ चीजें बताएंगे, कुछ चीजें समझाएंगे। अगर आप थोड़ा सा भी स्कीप करते हो तो आप, मैं कह देता हूं, आपको 100% नॉलेज नहीं मिलने वाला। तो यहां पे जो है एक वॉच टाइम जो है, यहां पे देखो वॉच टाइम आवर्स, ये जो वॉच टाइम है आपको समझना ही, ये टोटल चैनल का वॉच टाइम है, ये आपको पता होगा, मुझे भी पता है, सबको पता होता है, लेकिन ये बताना जरूरी है, ये पूरा चैनल का वॉच टाइम है। अब गड़बड़ हम कहाँ करते हैं, देखो आर्न के ऊपर जाते हैं हम लोग, जाके ना यहाँ पे देखते हैं कि भाई ये जो है जीरो पब्लिक वॉच आवर, मतलब वहां पे तो दिखा रहे, यहां पे क्यों नहीं दिखा रहे, है ना, ये चौक जाते हैं हम लोग। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, आपको कंटेंट टैब के ऊपर जाना है। कंटेंट टैब के ऊपर जाने के बाद आपको यहाँ पे देखो वीडियोस जो दिखने के लिए मिलते हैं ना ऊपर, ये जो वीडियोस वाला सेक्शन है, अगर यहाँ पे आपके कोई वीडियोस है, अगर उसके ऊपर कोई व्यूज आए हैं तो ही आपके वॉच टाइम वहां पे ऐड होंगे। और मानो आपके ये वीडियोस के ऊपर नो कंटेंट अवेलेबल, मतलब बड़े आपका बड़े वीडियो नहीं है, आपका छोटा भाई है, मतलब शॉर्ट है, तो शॉर्ट के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। मानो शॉर्ट के ऊपर आपने क्लिक कर दिया, यहाँ पे क्लिक करने के बाद A1K 1K 5K 2K 3K या फिर कोई भी, मतलब अच्छा खासा व्यूज आपके चैनल पे आए हैं, और भले ही आपके चैनल का जो डैशबोर्ड है इसके ऊपर आपको यहाँ पे वॉच टाइम दिखा रहे हैं, तो ये शॉर्ट का वॉच टाइम है, शॉर्ट वीडियो का। और YouTube आपको साफ साफ कह देते हैं भाई शॉर्ट वीडियो का कोई वॉच टाइम हम यहाँ पे जोड़ेंगे नहीं। ये जो आपका मोनेटाइजेशन सेक्शन पर वॉच टाइम दिखते हैं, ये बस लॉन्ग वीडियो का वॉच टाइम है। और रही बात, अगर आपके लॉन्ग वीडियो अपलोड हो चुका है, 1K व्यूज आज आ चुका है, कल आप देख रहे हैं अभी तक ऐड नहीं हुआ, तो मैं आपको बता देता हूँ ये ऐड होने में 24 to 48 hours टाइम लग जाते हैं, कभी कभार तुरंत भी हो जाते हैं। ये बस यूट्यूब का मतलब एनालिसिस सिस्टम है, उसके अंदर रोबोटिक सिस्टम से काम होता है, तो आपको ऐड 100% होंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे रखना होगा। तो आई होप आपके मन में जितना भी डाउट था वो क्लियर हो चुका है। अगर इसके बावजूद भी कोई भी सवाल है वॉच टाइम को लेकर तो हमें ज़रूर एक कमेंट करना, हम देखेंगे अगर पॉसिबल हुआ उस तौर पर डेडिकेटेड वीडियो बना देंगे, अगर नहीं हुआ तो आपके कमेंट पे ही आंसर कर देंगे। और जैसे कि आपको पता होगा इस चैनल के ऊपर जितने भी वीडियोस मिलेंगे वो एक YouTube कंटेंट क्रिएटर के लिए ही होंगे, साथ ही साथ हम अपने 6 साल के YouTube एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको जितने भी बताते हैं वो 100% बताने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप एक YouTube क्रिएटर है या फिर बनना चाहते हैं, प्लीज गाइस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। शॉर्ट वीडियो को कैसे वायरल करोगे, कम से कम व्यूज तो 1000-2000 लेकर आ पाओगे, मैंने प्रूफ के साथ आपको लेफ्ट वाला वीडियो पे ही दिखाया है। राइट वाला वीडियो पे मैंने आपको मैं अपने थंबनेल कैसे बनाता हूं, बीच वाला गोल बटन दबा के प्लीज गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि इन फ्यूचर और एक बार हमारा जरूर मुलाकात हो।